मेरे साथ इस पैनल पे हैं मेरी कॉलीग डॉक्टर रीना रावत। डॉक्टर रीना रावत एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और 15 साल से आयुर्वेदा का प्रैक्टिस है और इनको नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, वैदिक न्यूट्रिशन सब में एक्सपर्टीज है। ये हमारी मेडिकल टीम की हेड हैं, एचओडी हैं और पूरे जो मेडिकल डिपार्टमेंट की ये एचओडी हैं। सो एक थोड़ा सा हम सबको आज बताना चाहते हैं कि ये जो वन हेल्थ प्रोग्राम है हमारा, या जो वन हेल्थ का जो हमारा एडवाइजरी प्रोग्राम है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज से पास आउट होके जीबी पंत हॉस्पिटल में आईसीयू में काम कर रही थी, तो वहां पे हर दिन जब हमारी ड्यूटी होती थी 24 घंटे की, 48 आवर्स की, तो एक ना एक पेशेंट की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाती थी। एंड एज अ यंग डॉक्टर मुझे ये बहुत ही डिप्रेसिंग लगा कि हम पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं, बिकॉज वो जब तक हमारे पास आता है तो कार्डियक मसल में काफी डैमेज हो चुका है और लेफ्ट वेंट्रिकल काफी डैमेज हो चुका होता है। तो और जिनको हम बचा भी पाते हैं उनको हम दवाई लिख के भेज तो देते हैं, बट एज डॉक्टर्स हमारे पास इतना समय भी नहीं होता और इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि उनका पूरा हम खाना पीना और लाइफस्टाइल बदल पाए। और सैडली कई पेशेंट्स अपने पुराने डाइट में और पुराने लाइफस्टाइल में वापस चले जाते हैं और फिर सेकेंड हार्ट अटैक भी उनको आता है। तो ये जो रूट कॉज जो प्रॉब्लम है, इसको समझते हुए मुझे लगा कि एज अ मेडिकल डॉक्टर अगर मैं प्रिवेंशन की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दूं तो शायद हमारे कई पेशेंट्स की जान बच पाएगी। तो इसी से, इस ख्याल से शुरुआत हुई थी हमारे क्लिनिक की। और आपको जान के अचंभा होगा, सरप्राइज होगा कि इनिशियली हमारे पास कोई पेशेंट ही नहीं आया, क्योंकि सबको लगता था जब हम दवाई खा ही रहे हैं तो फिर अब ये न्यूट्रिशन और ये लाइफस्टाइल और ये सब में हमें क्या करना है, मतलब दवाई तो मिल ही रही है हमें। बट एज डॉक्टर्स एंड एज यू नो पीपल हु स्टडी रिसर्चर्स, 80% बीमारियां जो लाइफस्टाइल की हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनको हम कहते हैं, जिसमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, एस्थमा, पॉलीसिस्टिक ओवरी, कैंसर्स, इनके इलाज में डाइट और लाइफस्टाइल भी एक मेजॉरिटी के अंश में होना चाहिए। इट शुड बी इन अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन, क्योंकि दवाई आपको एक इमरजेंसी से बचा सकती है बट बीमारी ठीक नहीं कर सकती। कोई भी दवाई बीमारी ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि उसका रूट कॉज जब तक ठीक नहीं होगा दवाई से बीमारी ठीक नहीं होती। सिर्फ इमरजेंसी बच सकती है कि हाँ एक कोई फेटेलिटी ना हो जाए। तो यहाँ से शुरू हुआ हमारा ये, आप कह सकते हैं मूवमेंट शुरू हुआ। और इनिशियली जब हमने शुरू किया था तो हमने ये सोच रखा था कि हम दवाई तो लोग खा ही रहे हैं बट हम न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और काउंसलिंग के माध्यम से लोगों को मदद करेंगे, लोगों की लाइफ बदलेंगे। सो आज हमें बहुत खुशी होती है कि 46,000 पेशेंट्स इस जर्नी के थ्रू गुजर चुके हैं और उनको इम्प्रूवमेंट हुई है, उन्होंने काफी अपने बीमारियों को कंट्रोल में कर रखा है। और कुछ ऐसे खुशी खुशी की हमें न्यूज भी मिलती है, क्योंकि जैसे कोई कुछ हमारे पेशेंट्स हैं जो फर्टाइल नहीं है, जिनकी जिनका नेचुरली बेबी नहीं हो पा रहा है, और वो जब अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो उनका नेचुरली बेबी हो जाता है। कुछ लोगों का जैसे, और कई हाईली डायबिटिक हैं और इंसुलिन पे थे बट हमारे साथ जुड़ के उन्होंने अपना इंसुलिन भी छोड़, मतलब उनको जरूरत नहीं पड़ी, उनके डॉक्टर्स ने उनका बंद कर दिया इंसुलिन और उनकी दवाई भी बहुत कम कर दी। तो ये सब स्टोरी सुन के हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि आप पहले तो किस शहर से हैं? हाँ जी, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। तो जैसे कि आपने ये एक ऑनलाइन और टेलीफोनिक एडवाइजरी प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए अपने न्यूट्रिशन और अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए? मैंने अपना एक्चुअली रूटीन में फिजिकल बॉडी चेकअप करवाया था जी, जो हमारा ईयरली होता है जी। उससे पहले मैं अपनी बेटी के पास था यूएस में जी, और स्पेंड देयर 9 मंथ, 9 महीने मैं वहां पर निकाला था, 9 महीने बाद मैं लौट के आया था क्योंकि उसे बेबी होने वाला था जी। और वो भी न्यूरोलॉजी की डॉक्टर है। ओह दैट्स वेरी नाइस, आप डॉक्टर से जुड़े हैं ऑलरेडी। हाँ, हमारी परिवार डॉक्टर से तो जुड़ा हुआ है जी। छोटा भाई भी हमारा डॉक्टर है, मेरे ससुर जी भी डॉक्टर थे। अच्छा।
हमारे साले साहब डॉक्टर थे. ओह वंडरफुल वंडरफुल. माय डॉटर इज डॉक्टर. जी 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 बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा है. आप लोगों से जुड़ा हूँ मैं काफी अच्छी तरीके से जी. और रूटीन में मैं चेक करवाता था तो मेरा ब्लड शुगर HbA1c ज्यादा आया था. अच्छा. तो मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया जी, जो रूटीन में करता था पहले भी जी. US में इतना नहीं हो पाता था वो लाइफस्टाइल जी. तो यहाँ चेंज करने के बाद हमारा 7 point कितना था चेंज करने के बाद? हाँ, चेंज से पहले 7.9 था चेंज से पहले जी. तो उसको हमने जब 1 महीने चेंज किया तो 1 महीने के अंदर हमारा 7.6.9 पे आ गया था. ओह वेरी नाइस जी. तो वन ऑफ माय डॉटर इज इन सिंगापुर. अच्छा. वो हेल्थ के ऊपर ही काम करती हैं. शी हैज डन PhD फ्रॉम सिंगापुर यूनिवर्सिटी. अच्छा. और तो छोटी बेटी है मेरी. जी जी जी. आई हैव 3 daughters. अच्छा. तो बीच वाली डॉक्टर है जी और छोटी वाली सिंगापुर में है जो हेल्थ के ऊपर ही काम करती, बस इंजीनियर. अच्छा. PhD तो करी ली उसने IIT BHU से किया. अरे वाह. उसके बाद सिंगापुर से PhD किया. फैंटास्टिक. PhD करने के बाद उसने जॉब जो उसका है वो हेल्थ के ऊपर है. तो उसने हमको एडवाइस किया कि आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है, लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आप डाइटिशियन को ज्वाइन करिए. जी जी जी. और उसने सर्च करके आपका हमको दिया. अच्छा. सी हैज इनिशिएटेड और सर्च करके हमको कन्विंस किया कि मम्मी के लिए ये ज्वाइन करना जरूरी है. जी. मम्मी का वेट थोड़ा सा ज्यादा था आशा कपूर का. जी जी जी. तो वेट कम करने के लिए अपने मन से खाना पीना न करके जी. एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ खाना पीना खाइए और हेल्थ को ठीक करिए. जी जी. इसका इनिशिएटिव दिया और तब हमने ज्वाइन कराया अपनी वाइफ को आशा कपूर को. जी. फिर उसके 1 महीने के बाद हमारा वेट कम हो रहा था. जी. तो हमने कहा मेरा वेट वहां से आने के बाद करीब 5 किलो ड्रॉप हो गया है. जी. तो इसके लिए उसने फिर हमसे कहा कि फिर आप भी इस बेस पे ज्वाइन करिए कि आपका वेट क्यों कम हो रहा है. जी. लेट अस टेक द एडवाइस. जी. तो मैंने आपके यहाँ ज्वाइन किया. जब मैं आया था तो मेरा वेट 72 था. जी. और यहाँ पर आने के बाद ये 68 हो गया था. अच्छा. तो 1 महीने बाद जी. फिर उसके बाद आपके यहाँ ज्वाइन किया हूँ तो 6 महीने होने 5 महीने तो होने जा रहा है. जी. हालांकि 63.8 है अभी. जी. लेकिन स्टेशनरी लगभग चल रहा है कि हर महीने 1 kg पर है. जी. 1 kg ड्रॉप होता है. तो इनको और लाइफ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मुझे हेल्प मिला. जी. और एडवांटेज हमको जो मिला वो हमारे वाइफ का वेट भी कम हुआ है. तुम्हारा कितना कम हुआ है? 10 kg. जोर से बोलो. 10 kg. जी जी. दैट्स वंडरफुल आशा जी, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली लोग को लगता है कि बस अब तो आफ्टर 40 वेट कम नहीं होगा और अब कैसे, और बहुत ना लोग थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहते हैं कि बहुत मुश्किल है. बट ये तो अच्छी बात है कि आपका 10 किलोस आपने लूज किया है. प्रिया जी ने अच्छा गाइड किया जी. और 90% उनके गाइडलाइंस को इन्होंने फॉलो किया. जी जी. और मैंने और इन्होंने कहीं पर विजिट वगैरह भी रोक दिया था कि नहीं गए. जी. बीच में बेटी के पास सिंगापुर जाना पड़ा, 1 महीने के लिए गए हम. जी, जी. उसका भी उन्होंने गाइडलाइंस दिया कि आप इस तरह से अपने डाइट को मेंटेन करिएगा और फॉलो किया तो वो भी अच्छा रहा. जी. उस समय 1 महीने में कम तो नहीं हुआ लेकिन इंक्रीज भी नहीं हुआ. जी जी. सो मिस्टर और यहाँ से इनिशिएटिव मिला हमको कि ज्वाइन करना चाहिए और लाइफस्टाइल को चेंज करके हेल्थ को ठीक किया जा सकता है इवन विदाउट मेडिसिन.
मुझे जो मिला, मेरी एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी जी। एसिडिटी का प्रॉब्लम मेरा काफी 98% तक कम हो गया। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत आई थैंक्स टू प्रिया जी जी एंड माय गाइड्स डॉक्टर जो पुणे से हमको गाइड करती हैं, निशांत जी, तो उनका गाइडलाइंस मिला जिससे कि एसिडिटी के तो दूर हो गया लगभग जी। एंड अभी थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन का रहता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ है जी, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उसका रहता है। उसको मैं अगर कहूँ तो 70% तक हमको एडवांटेज है जी, इम्प्रूवमेंट है जी। इन सबको देख करके भी मैं एक बार कहा था कि मैं शिखा जी से मिलना चाहता हूँ पर्सनली, लेकिन यू आर सो बिजी कि आपसे नहीं मिल पाए जी। तो कोई बात नहीं, आज आज वीडियो लाइन पे मिलके अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट फीडबैक। एंड जो मैं आपको एक एक और सवाल आपके लिए है कि मिस्टर कपूर, आपको क्या लगता है कि जैसे न्यूट्रिशन का हमारी लाइफ में कितना महत्व है और क्यों प्रोफेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकता है, और इसका मतलब क्या बेनिफिट क्या है कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन या प्रोफेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लोग जो ज्वाइन करते हैं? देखिए, न्यूट्रिशन तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हेल्थ के लिए, और एक सर्टेन एज के बाद तो बहुत जरूरी हो जाता है। व्हाट आई फील नाउ, पहले तो जो खाने पीने को मिलता था खा लिया जाता था जी। कि एक अच्छा आलू के पराठे, एक चम्मच देसी घी डाल करके या मक्खन डाल करके, और साथ में अंडे और दूध ले लिया, यंग एज की बात बता रहा हूँ। लेकिन 60 के बाद लेना, तो 60 के बाद चाहिए, लेकिन मैं तो 68 पर आकर के लिया हूँ जी। इससे पहले भी एक दो बार मैं लिया हूँ न्यूट्रिशन का प्रोग्राम जी, एक महीने दो महीने के लिए, लंबे पीरियड के लिए नहीं लिया था जी। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि न्यूट्रिशन का लेना चाहिए हेल्थ को ठीक रखने के लिए और अच्छी फीलिंग के लिए। हेल्थ जब ठीक रहेगा तो फीलिंग भी अच्छी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इसके लिए, इसके लिए ये लेना जरूरी है। और इसमें हमको तो पता नहीं रहता है कि किस चीज में कितना कैलोरी है, किस चीज में कितना विटामिन है। जनरल थोड़ा बहुत सभी को ज्ञान होता है कि गाजर खाइए, उसमें विटामिन ए मिलेगा, लीव्स एंड साग को खाइए तो उसमें आपको अच्छा मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन कहाँ कौन सा मिनरल मिलना चाहिए, कितनी प्रोटीन मिलनी चाहिए, कितनी विटामिन्स की चीजें मिलनी चाहिए, इसके लिए प्रोफेशनल को लेना तो जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो एक एक्चुअल जो एक प्रॉपर बेंचमार्क, प्रॉपर क्वांटिटी और वो सब है, उसके लिए प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो ये है, लेकिन ऐसा भी है कि एवरीबॉडी कैन नॉट कम फॉरवर्ड फॉर द प्रोफेशनल लुकिंग दैट भाई चार्जेस बहुत ज्यादा है, हाउ टू मैनेज, कहाँ से दिया जाएगा, कई फैक्टर सामने आ जाता है जी, जी। लोग कहते नहीं हमारे दादाजी ये खाते थे इसी से ठीक रहते थे, अब लगता है समय कुछ और था और अब समय कुछ और है। बॉडी अगर उससे रह गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा तो फिर भाई नहीं रहा, इतना ही कहा जाता था जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एंड सो आशा जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, एंड आम तौर पे जैसे लेडीज होती हैं, वो क्या होता है कि हर लेडी उसको लगता है कि भाई मैं अपने पे क्यों खर्चा करूँ, वो अपने घर का सोचती है, परिवार का सोचती है, डेकोरेशन का भी सोचती है, गिफ्ट का भी सोचती है कि लेना देना, सबको गिफ्ट करना, बट अपनी हेल्थ का वो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करती है। उनको लगता है अरे नहीं मैं काम चला लूंगी, तो किसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, कैसे मतलब आप मोटिवेट हुई? बिटिया ने, छोटी वाली बिटिया ने। अच्छा, मोटिवेट से ज्यादा
जी क्या कहूँ मैं आपको, ये नहीं कह पाएंगी, मोटिवेट से ज्यादा डांट ज्यादा नहीं मिस्टर कपूर, सच बात तो ये है कि जो बेटियां होती है ना वो कभी प्यार से कभी डांट से मतलब मनवा लेती हैं अपनी बात, और ये बेटियों का एक क्या बोलते हैं सुपर पावर होता है कि वो अपनी बात मनवाई लेती हैं। नहीं वो कुछ ज्यादा वो है कि वो डांट से ज्यादा मनवाती है और फिर कहती है हम बाहर इतने दूर बैठे हुए हैं आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे। आपने बिल्कुल सही कहा, और आपको सच बात है मुझे इतना आपने पढ़ाया लिखाया क्यों, अगर पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो मैं नहीं डांट मारती। नहीं आपने बहुत बहुत ही आपने सही बात बोली कि देखिए जितनी भी बच्चे बाहर हैं उनको सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने पेरेंट्स की, हमारे पेरेंट्स स्वस्थ रहें, हमारे पेरेंट्स ठीक रहें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड 95% जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता रहती है, और वो रोज फोन करते हैं, रोज पूछताछ करते हैं कि आप कैसे हैं, आपने खाया समय से, नहीं खाया। और सही बात आपको बताऊं कि मोस्टली पेरेंट्स ना समय से खाते हैं ना अपना ध्यान रखते हैं, और कई बार बेटियों को ही फिर ये पीछे पड़ना पड़ता है कि आप खाइए, आप ये करिए, आप ये अपना टाइम से दवाई, टाइम से खाना, टाइम से ये कीजिए। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड थैंक्स, अगर दिव्या जी सुन रही हैं तो प्लीज थैंक यू सो मच कि आपने अपने पेरेंट्स को एक प्रोफेशनल प्रोग्राम में कराया और उनको फायदा हो रहा है। तो आशा जी मुझे बताइए कि जैसे खाने पीने में क्या क्या नई चीजें आपने खाना शुरू करी जो शायद पहले आपके प्लेट पे नहीं था या आपकी डाइट में नहीं था। ये मिलेट जो है जी, ये तो मैं से मल्टीग्रेन ले लेते थे जी, कुछ लेते थे जैसे बाजरा, मक्का, इस टाइप की चीजें, कुछ बाकी चीजों को तो हम नहीं जानते थे जी, तो वो सब पता लगा उसका इम्पोर्टेंस। प्रिया जी बार बार अच्छी तरह गाइड करती थी, ये खाइए इससे अच्छा होगा, फिर मैंने शुरू किया, फिर मुझे भी वास्तव में फायदा तो हुआ, मेरा भी शुगर कम हुआ है, पहले से मेरा 7.3 था जी, अब 6.8 है, अभी कराना है फिर आजकल में जी जी। सो जी बिल्कुल, अर्थराइटिस का भी पेन रहता था, उसमें भी उन्होंने डॉक्टर मेरा ख्याल संजना जी है मेरी जी, उन्होंने उनके साथ मतलब प्रिया जी के साथ बताया, हाँ उन्होंने उनसे बात वगैरह करा के मेरा अर्थराइटिस के बारे में भी, ये तेल लगाओ ऐसे रखो ऐसे सिकाई करो, काफी बेनिफिट है मेरे को। थैंक यू आशा जी, पहले तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको और मिस्टर कपूर को कि आपने फॉलो किया, क्योंकि एज डॉक्टर्स एज प्रोफेशनल्स तो हम एडवाइस कर सकते हैं, बट जो हम थैंकफुल होते हैं अपने पेशेंट्स को जो लोग फॉलो करते हैं उसको प्रैक्टिकली, क्योंकि जो पेशेंट अच्छा स्टूडेंट होता है वो सबसे ज्यादा हमें खुशी देता है, बिकॉज हमारा काम सक्सेसफुल हो जाता है। सो थैंक यू फर्स्टली, वैसे थैंक्स मुझे देना चाहिए, बिल्कुल आपने एक प्रॉपर गाइड अच्छे गाइड को दिया, प्रिया जी इज गुड गाइड, जिसने कन्विंस करके रखा कि नहीं ये चीज इसलिए आपको खाना है। हम थैंकफुल है, हम थोड़ा सा उसको डाइवर्ट भी कर देते थे, तो उसके बारे में फिर उन्होंने एक्सप्लेन करती थी कि नहीं हम आपको अगर कहते हैं कोई फर्मेंटेड चीज खाने के लिए तो रात को ही उसे भिगोइए, रात को रखिए, जिससे सुबह तक आपको वो इतना न्यूट्रिशंस देगा और ये बेनिफिट देगा, जिससे कि वास्तव में बेनिफिट मिला। बिल्कुल, और थैंक तो हमें इसलिए देना चाहिए कि बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन राइट टाइम पर राइट लोग मिल जाए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और वो मिला अच्छा लगा। जी जी जी, एक्चुअली मिस्टर कपूर, क्योंकि आपकी दोनों बच्चियां हेल्थ केयर में हैं जुड़ी हुई, तो शायद वो आपसे शेयर करेंगी, बताएंगी कि डॉक्टर का सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन और डिग्री होती है ना वो, हाँ बिल्कुल, वो पेपर की डिग्री नहीं है, वो तो चलिए हम पढ़ लिख के पास कर जाते हैं, जो हमारे लिए डिग्री हमारे पेशेंट्स है, अगर हमारा पेशेंट ही ठीक ना हो तो हमारी डिग्रियां सब बेकार है। तो इसीलिए हर बार जब हमारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और हमारे पेशेंट एक्चुअली हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, ठीक हो जाते हैं मतलब उससे पहले ही, वो हमारे लिए एक और सर्टिफिकेट होता है कि भाई हमने सही पढ़ाई करी। बिल्कुल सही बात, वेरी राइट वेरी राइट वेरी राइट। तो यही चीज मैं सुनता हूँ अपनी बेटी से भी, किसी दिन वो डाउन रहती है तो क्यों,
आज उसको उतना अच्छा आराम नहीं मिल पाया, तो मुझे वो फॉलो नहीं हो पाया। जिस दिन ठीक हो जाता है चीयरफुल रहती है कि नहीं आज तो मैं डोनट लेके जाऊंगी और सबको खिलाऊंगी अपने टीम को, बिकॉज ही इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो कहते हैं टीम को खिलाऊंगी, सबने मिलकर अच्छा मेहनत किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आई एम सो ग्लैड कि आपकी दोनों बच्चियां हेल्थ केयर से जुड़ी हैं, डॉक्टर्स हैं और अलग अलग फील्ड में भी वो हेल्थ केयर में ही हैं। सो क्योंकि जो हम आज देख रहे हैं कि जो कोविड में जो डेवस्टेशन हुई और एक्चुअली सब फ्लाइट्स बंद हो गई थी, कोई कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहा था और बच्चे पेरेंट्स के लिए परेशान थे और पेरेंट्स जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं बच्चों के लिए परेशान थे, तो सिर्फ एक चीज समझ आई सबको कि हेल्थ ही वेल्थ है। मतलब अगर हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना हॉस्पिटल मिल रहा था ना ऑक्सीजन मिल रहा था और आप कितना खर्चा कीजिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए सबको लगा कि भाई अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना हमारी एक परम धर्म है या परम जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से अब हम इसको और अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको हम थोड़ा सा और आगे पुश करना चाहते हैं कि हम घर में ही बैठ के लोगों को हेल्थ दे पाए। सो मेरे साथ मेरी कॉलीग डॉक्टर रीना है। डॉक्टर रीना, मुझे आप बताइए कि जो वैदिक न्यूट्रिशन की जो हम प्रोसेस फॉलो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, सबसे पहले ये वैदिक न्यूट्रिशन क्या है, इसकी खास यूएसपी बताइए, यूनिक चीजें क्या है, मतलब एक नॉर्मल डाइट से हटके वैदिक डाइट में क्या खासियत है। वैदिक न्यूट्रिशन, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जैसे एंशियंट जो हमारे जितने भी टेक्स्ट रहे हैं, जो भी हमारा एंशियंट विजडम है, उसमें न्यूट्रिशन या डाइट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो उसको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमने देखा है एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर, वी हैव स्टडीड मेनी यू नो एंशियंट टेक्स्ट लाइक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भी बहुत सारे हमने एंशियंट टेक्स्ट पढ़े हैं, जहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है एक एक ग्रेन का, लाइक वीट का क्या बेनिफिट है हमारी बॉडी में, राइस का क्या बेनिफिट है और डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस जो हैं। तो इन एंशियंट टेक्स्ट ये सारी जो भी हमारी रूटीन डाइट है ये सब कुछ उसमें बताया गया है, और उसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से आपका जो एक डे है वो किस तरह से प्लान होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ सीजन आपको डाइट में किस तरह के चेंजेस करने चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो वैदिक न्यूट्रिशन में ध्यान रखा जाता है कि आपको अपना जो बॉडी टाइप है उसका पता होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ हेल्दी है, जो चीज़ आपके लिए कंपैटिबल है, सूटिंग है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और के लिए भी सूटिंग। तो नॉर्मली हेल्थ में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि उसने ऐसा खाया, उसको रिजल्ट आया, तो हम भी खाना शुरू कर देते हैं, या कोई किसी पर्टिकुलर तरह का डाइट फॉलो कर रहा है तो हम उसको लेके फॉलो करना शुरू करते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना बॉडी टाइप पता हो कि आपका प्रकृति क्या है, आपका वात डोमिनेटिंग है, पित्त डोमिनेटिंग है, कफा डोमिनेटिंग है, आपका क्या बायो एनर्जी है जो डोमिनेटिंग है, और सेकेंडली जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मेडिकल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, कि आपकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसके बेसिस पे आपका जो डाइट है वो प्लान होना चाहिए। और कई बार वैदिक न्यूट्रिशन में हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि आपकी जो डाइट है वो आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है उसके ऊपर हो, ऐसा नहीं कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जो आपको फूड अवेलेबल है, जो भी लोकल फूड अवेलेबल है उसको किस तरह से आपके न्यूट्रिशन में हम इंकॉर्पोरेट करें, रूटीन डाइट में इंकॉर्पोरेट करें, सो दैट यू कैन फॉलो इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप जब प्रोग्राम में हैं तब आपने कुछ स्पेसिफिक फूड लिया और प्रोग्राम के बाद आप कुछ और खा रहे हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम इट इज़ बेसिकली एजुकेशनल प्रोग्राम वेयर यू लर्न कि आपको किस तरह का डाइट लेना है और आगे उसको वेट को कैसे मेंटेन करना। बिल्कुल आपने सही कहा। सो डॉक्टर रीना, कैन यू आल्सो एक्सप्लेन कि हम कौन कौन से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं न्यूट्रिशन और वैदिक हर्ब्स के थ्रू? तो इसमें जितने भी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रहता है लोगों को, हाइपरटेंशन है जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, इसके अलावा बहुत से हार्मोनल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन है, जैसे पीसीओडी की कंडीशन जो है ये आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत कॉमन है, इसके अलावा थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम जो है ये बहुत कॉमन है, और कई ऐसी बीमारियां हैं जो सिम्टोमेटिक आपको प्रॉब्लम्स देती हैं, जैसे अभी मिस्टर रंजीत ने बताया एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो होती ये छोटी छोटी बीमारियां बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है।
तो जब आप अपना लाइफस्टाइल, अपना जो आप डाइट जब आप करेक्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे इन सब प्रॉब्लम्स में आपको रिलीफ आना शुरू हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो एक थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे ये जो काउंसलिंग होती है, जो हफ्ते में 2 बार या 3 बार डिपेंडिंग ऑन द केस हम फॉलो अप लेते हैं और बार बार फोन करके चेक करते हैं कि भाई हुआ नहीं हुआ, कैसे फॉलो किया, क्या चेंजेस करने हैं, डाइट सूट कर रही है नहीं, तो ये जो काउंसलिंग प्रोटोकॉल है ये कैसे हमने डिवेलप किया और ये इसकी क्या खासियत है या इसकी यूजफुलनेस क्या है? तो जैसे डाइट प्लान, तो देखिए अगर आप आज के टाइम में अगर आप डाइट प्लान सर्च करना चाहेंगे तो आपको कई चैनल्स ऐसे हैं इंटरनेट पे, आप डायरेक्ट डाल के वहां से डाइट प्लान आपको हर तरह का मिल जाए। लेकिन जब आप उसको फॉलो करते हैं और अगर आपको एक करेक्ट गाइडलाइन नहीं मिलती है तो आपका जो एक मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं लैक करता है और आप बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप डाइट फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि किस टाइम खाना है, फ्रूट्स किस टाइम खाना है, पानी कितना लेना है, किस टाइम लेना है। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो आपके जो न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं, जो आपके गाइड रहते हैं वो आपको बताते हैं, आपके जो न्यूट्रिशन कोचेज हैं वो आपको बताते हैं कि किस टाइम पे आपको क्या खाना है, कितना खाना है, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट वो मॉनिटर करते हैं कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उससे आपकी बॉडी में आपके जो पैरामीटर्स हैं, ब्लड पैरामीटर्स हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, आपके वेट में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, आपके मेजरमेंट्स में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है। तो इस तरह से जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं आप साथ साथ में उसका रिजल्ट्स भी देखते जा रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब पहले जैसे हम क्या करते थे, प्रिस्क्रिप्शन देते थे तो पता ही नहीं चलता था कि हमारे क्लाइंट्स ने, पेशेंट्स ने इसको फॉलो किया भी नहीं किया, और फिर एक हफ्ते बाद पता चलता था कि कुछ कारण से नहीं फॉलो कर पाए तो रिजल्ट्स भी नहीं आते थे। सो फिर हमको लगा कि नहीं, हमें पेशेंट को पूरा ओनरशिप लेके अपना मान के उनको कॉल करके पता करना है, क्योंकि जो हमें लगता है कि अगर पेशेंट को रिजल्ट ना आए तो वो पेशेंट की गलती नहीं है, हमारी गलती है, हमने अपना एफर्ट नहीं दिया, हमने मेहनत नहीं करी। क्योंकि देखिए पेशेंट और स्टूडेंट में ज्यादा अंतर नहीं होता, स्टूडेंट टीचर के पास आता है सीखने, तो वो टीचर कैसे सिखाए पढ़ाए उसको, कैसे काउंसिल कर पाए, वो टीचर की स्किल होती है, क्योंकि स्टूडेंट कभी गलत नहीं होता। जी जी बोलिए। ये जो 2 बार हफ्ते में 3 बार जो शेड्यूल बनता है और बताती हैं, ये वास्तव में बहुत इफेक्ट करता है कि हमें कन्विंस करता है कि नहीं, जो बता रही हैं उसको पहले 2 दिन नहीं भी फॉलो हुआ तो अगला 2 दिन से शुरू हो जाए। और ये होना बहुत जरूरी है, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके 2 बार 3 बार जगह पे बैठाना और ये करना, यहाँ चेंज कर दो, वहां जगह बना लो, यहाँ बैठ जाओ, ये करना पड़ता है। उसी तरह ये भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक हफ्ते का प्रोग्राम दे दीजिए, आप पाइएगा 30% बेनिफिट, और इसको ब्रेक करके देने से इट इंक्रीज टू 70%। इट इफेक्ट्स द पेशेंट, सभी पेशेंट्स को, सभी लोगों को जिन्होंने लिया है उनको खुद अच्छा लगता है कि नहीं नहीं ये अच्छा चीज है, इसके लिए टाइम निकाल करके बात करना चाहिए। जी थैंक्स फॉर दिस, दिस टाइप ऑफ शेड्यूल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच मिस्टर कपूर, बिकॉज जब हमने पहले जब शुरू किया था ना, तो कई जो मैं अपने फ्रेंड्स और डॉक्टर फ्रेंड से बात करती थी कि कैसे बनाया जाए, तो उनको लगा था कि आप तो बहुत ज्यादा पेशेंट के पीछे पड़ोगे तो उन्हें अच्छा शायद ना लगे। मैंने कहा देखिए पेशेंट को अच्छा लगे ना लगे, बट मुझे तो उनके रिजल्ट दिलवाने ही है, तो हम That तो is the only. That is the only. जी तो इसीलिए हमने ये बहुत ही रिग्रस शेड्यूल बनाया कि पेशेंट को तो फायदा होना ही चाहिए और उसकी रिजल्ट आने चाहिए। थैंक यू फॉर दैट एंडोर्समेंट कि ये प्रोटोकॉल सही है। नहीं, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है ये, वास्तव में कुछ लोग नहीं भी लाइक करेंगे शुरू में, फिर उसकी बेनिफिट्स जब देखेंगे 15 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर, तो उनको लगेगा नहीं नहीं ये चीज अच्छा है, ये होना चाहिए। जी जी। एक डॉक्टर ना, एक आपसे एक और चीज जो मुझे पूछनी है कि नॉर्मली जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो साधारण पेशेंट्स नहीं आते कि भाई जैसे जिसको मैं कहूँ कि भाई 2 किलो 3 किलो कम करना है, या एक जो कैजुअल पेशेंट्स होते हैं ना कि बस थोड़ा सा वजन ही तो कम करना है। हमारे पास आई थिंक ऑलमोस्ट
95% जो भी पेशेंट्स हैं उनका एक साथ में कुछ हेल्थ कंडीशन जरूर रहती है, या फिर जो वेट लॉस के प्योर पेशेंट्स आते हैं उनका कई सालों से वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो हर जगह ट्राई कर चुके हैं, क्रॉनिक ओबेसिटी हो गई है, तो एक साइंटिफिक तरीका क्या हम अपनाते हैं या क्या किसी को भी अपनाना चाहिए जो इस फील्ड में है, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी भी रहे और रिजल्ट भी आए। जैसे आपको पता होगा और ये बहुत ही कॉमन है कि हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कहते हैं मुझे तो आधा किलो रोज कम होना चाहिए, मतलब डेली हाफ ए किलो कम होना चाहिए, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है एकदम बहुत ही फास्ट वेट लॉस करने का? सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को कि जो चीजें हम इतने सालों से ले रहे हैं, जो भी डाइट हम ले रहे हैं, और हम जब भी प्रिस्क्राइब करते हैं आपको डाइट, उसमें हम कुछ हर्ब्स जरूर एड ऑन करते हैं, सो दैट आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है बॉडी का वो आपका जरूर, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, कई बार हमने देखा है लोग सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि कम खाने से आपका जो वेट है वो ड्रॉप होने लग जाता है, विच इज़ अ रॉन्ग थ्योरी। आपको सबसे पहले ऐसे हर्ब्स लेने हैं, चाहे वो आप किचन हर्ब्स लें या कुछ ऐसे हर्ब्स लें जो आपके लिवर के ऊपर वर्क करें, बिकॉज जो फैट लॉस का काम होता है वो हमारे लिवर से स्टार्ट होता है। तो जब आप इस तरह का डाइट लेते हैं, जैसे हम लोग ज्यादा डाइट में क्या आपको सैलेड्स लेने के लिए बोलते हैं, हम आपको फ्रूट जो रॉ फूड होता है वो लेने के लिए बोलते हैं, उससे क्या होता है कि आपके जो एंजाइम्स हैं बॉडी में वो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, उससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और जो भी डाइट आप ले रहे हैं वो और अच्छे से इफेक्टिवली आपके ऊपर वर्क करते हैं। दूसरी चीज जो वेट लॉस करते समय लोग जनरली गलती करते हैं कि वो अपना जो पूरे दिन का मील है वो जनरली स्किप करते चले जाते हैं, जैसे वो ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं, लंच स्किप कर लेते हैं, फिर वो एक मील लेते हैं हैवी डिनर का, तो उनको लगता है कि हमने एक ही मील लिया पूरा दिन तो कुछ खाया नहीं, विच इज़ अगेन अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो हमारा साइकिल है बॉडी का, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से है कि आपको जो लंच है दैट शुड बी द हैवीएस्ट मील, जो आपका प्रॉपर मील है वो लंच होना चाहिए, एंड डिनर शुड बी योर लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। तो ये जो कुछ थ्योरीज हैं जो बताई गई हैं आपको हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए, और कुछ हम फ्री फूड भी आपको एडवाइस करते हैं, जैसे कई बार हम स्नैकिंग का कई लोगों को मन करता है कि हमें क्या खाना चाहिए, मंचिंग करने का मन करता है, तो उसके भी कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव होते हैं जो आप अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप कोई भी डाइट फॉलो करें और जब आप वैदिक न्यूट्रिशन का फॉलो करते हैं प्लान, और जैसे स्टक केसेस आते हैं जिनका वेट नहीं जा रहा है काफ़ी टाइम से, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एंड देन यू हैव टू फॉलो अ डाइट विच इज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, देन डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। जी जी, सो मिस्टर कपूर आपसे एक सवाल और फिर वही सवाल मिसेस कपूर से भी होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं नेचुरली हम वही खाना खाते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने खाया, और वो वाली चीजें जो शायद उस प्लेट में नहीं रही हो तो उसके बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं होता तो हम ट्राई भी नहीं करते, बिकॉज एकदम अलग चीजें हैं, शायद इतना ईजी भी नहीं है ट्राई करना। तो हमारी जो हेल्थ है जिसको हम कहते हैं वो काफी हद तक हमारी नॉलेज और हमारी इंफॉर्मेशन पे भी आधारित होती है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको लगा स्कूल्स कॉलेजेस या हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए ताकि लोग अपने को स्वस्थ रखना जाने और पहचाने कि भाई कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है? हम जो जनरली ये होता है कि हम रूटीन में जो खाना खाते आते रहते हैं यंग एज से और सेम चीज खाते रहे लास्ट तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्राम से मुझे ये लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी है, बॉडी की वियर एंड टीयर, उसकी एफिशिएंसी, ये धीरे 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 चेंज होती है, और उसको मेंटेन रखने के लिए ए प्रॉपर फूड इज नीडेड, और वो फूड की नॉलेज तो कम होती है तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए उन्हें, किसी सोर्स से, चाहे आप लोगों के गाइडलाइंस से या किसी के घर में अगर कोई है तो वो गाइडलाइंस दे। ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड होना चाहिए लोगों तक कि हमें पुराने रूटीन के हिसाब से थ्रू आउट नहीं रहना है, वही गेहूं की रोटी रोज, वही चावल रोज, वही दाल रोज,
नहीं होना चाहिए, इसमें वो चीज इंक्लूड होने चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है और जो नेचर ने दिया हुआ है। आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरी मम्मी की तरफ से हम कश्मीरी पंडित हैं और अच्छा। वहां पे चावल बहुत खाया जाता है और फ्रूट्स बहुत खाए नहीं जाते। इसी तरीके से जैसे अलग अलग तरह के ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, उसके बारे में तो पता भी नहीं होता, ज्वार, बाजरा, किन्वा और ये सारी चीजें। तो मुझे खुद, मैं डॉक्टर बन गई थी बट मुझे साइनस की प्रॉब्लम लगी रहती थी बिकॉज मैं खुद भी चावल और दही और ये सब खा रही थी। तो डॉक्टर तो मैं बन गई थी, तो मैं अपने का सेल्फ मेडिकेशन करती थी, एंटी एलर्जी कभी ले लिया, कभी एंटीबायोटिक ले लिया। और मेरी मदर कहती थी कि डॉक्टर अपने पे क्या कर रहे हो, इतनी दवाइयां क्यों खा रहे हो। तो बट मैं कहती थी कि मुझे साइनस हो रहा है और मुझे कल ओपीडी चलानी है, तो मेरे कुछ तो खाना पड़ेगा। बट जब मैं इस आर्ट से जुड़ी, क्योंकि मुझे खुद भी न्यूट्रिशन एज अ डॉक्टर नहीं पढ़ाया गया था, वो तो बाद में जब मैं इस फील्ड में आई तो डॉक्टर रीना और जो बाकी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डॉक्टर रीना जैसे डॉक्टर हैं उनकी संगत में मुझे ये सब सीखने को मिला। और फिर मैंने कुछ पढ़ाई, मतलब सेल्फ स्टडी भी करी। बट जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि क्योंकि कल्चरली हम वो नहीं खा रहे थे जो हमारे लिए हेल्दी था या शायद मेरे शरीर के लिए हेल्दी था, तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी। और यह इस फील्ड में आके फाइनली मैंने, आपको ताज्जुब होगा कि 20-25 साल से अब मैं कोई भी दवाई नहीं खाती, सब नेचुरली होता है। खांसी हो तो अदरक, शहद, तुलसी, काली मिर्च, या कभी जैसे हल्का सा अगर पोल्यूशन की वजह से साइनस हो तो जो जिसको हम नेजल नस्यम कहते हैं, इनफैक्ट मैं डॉक्टर रीना से नस्यम की भी प्रोसीजर अभी आपके लिए पूछूंगी। और जैसे कभी कोई पेन हो या कोई इस तरह की चीज हो, तो हर चीज नेचुरल, मतलब कोई भी चीज अब मेडिसिन, हार्श मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको अपने शरीर को ऑनर करना है और शरीर के हिसाब से चलना है, उसको ऑनर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर रीना थोड़ा बताएंगे ये नस्यम क्या होता है, क्योंकि काफी लोगों को जैसे साइनस की भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये क्या तरीका है, मतलब ये व्हाट इज दिस टेक्निक, और इसका साइंस भी थोड़ा सा बताइए। नस्यम क्या रहता है? बेसिकली नस्यम में आप जो ऑयल्स हैं उनका यूज करते हैं, कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, कुछ घी होते हैं जो आप यूज करते हैं, और नेजल ड्रॉप्स के थ्रू आप उनको अपनी नॉस्ट्रल्स में डालते हैं। तो फॉर अ रेगुलर पर्सन, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जिनको बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, उनको हम एडवाइस करते हैं कि जो काउज घी होता है, जो प्योर काउज घी है ऑर्गेनिक, उसको आप अपना 2-2 ड्रॉप्स रात को सोते समय अगर ड्रॉप्स डालते हैं अपने नेजल में, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम में आपका जो आईसाइट है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। आपकी जो ड्राइनेस है बॉडी में, जैसे कई बार होता है ओवर जैसे एजेस, जब आप 40+ होते हैं तो वात जो है, एयर एलिमेंट आपकी बॉडी में एग्रवेट होता है, जिसकी वजह से बहुत ड्राइनेस आ जाती है, आपकी आईज में ड्राइनेस आ जाती है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। तो अगर आप 2-2 ड्रॉप्स काउज घी अगर आप अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में डालते हैं रात को सोते समय, तो आपको काउ घी जो होता है, देसी घी जो होता है, देसी, हाँ, तो वो आप देखेंगे कि अगर आप उसको रेगुलर यूज करते हैं तो आपको उससे बहुत बेनिफिट। सरसों का तेल तो डालते थे, हाँ, तो कोई ऑयल जैसे सेसमे ऑयल है वो यूज कर सकते हैं आप, सरसों का तेल, हाँ, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, हाँ, उसको भी ये 2 ड्रॉप हमेशा डालती थी, नाक बंद हो रहा है तो उसको, हाँ, तब तक डालो जब तक गले में पहुंच करके वहां पर, हाँ, उसका असर न दिखे। तो क्या डालना चाहिए उसे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल डालना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये चीजें क्या होती है कि जो आयुर्वेद में बताया गया है कि नासा ही शिष्यों द्वारा, मतलब आपके जो ब्रेन है अगर उसको नरिशमेंट आपको देना है, तो वहाँ आप जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो नोस्ट्रल के थ्रू आप लेंगे, तो आप देखेंगे आपको नींद अच्छी आएगी, आपको एंजाइटी रहती है वो कम हो जाएगी, तो आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर भी वो बहुत अच्छा रोल करता है। लेकिन इस समय नसलमैन नाक के अंदर, लेकिन देसी घी तो जम जाएगा, जाएगा नहीं है, नहीं, उसको आप थोड़ा सा गुनगुना करेंगे जब वो पिघल जाता है, तो आप ड्रॉपर से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो उसको पिघला के और हल्का सा जब वो पिघली हुई फॉर्म में है तब आपको उसको 2-2 ड्रॉप देसी घी, मतलब तेल से अच्छा है, तेल से अच्छा देसी घी है, हाँ, 2-2 ड्रॉप आप उसको डालें, नहीं, सरसों के तेल से अच्छा है ये, हाँ, काउज घी आप डालेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, वो आपका मेमोरी बूस्टर भी रहता है और आपके जो ब्रेन के लिए न्यूट्रिशन है वो भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, आई पे भी इफेक्ट करता है?
हाँ बिल्कुल क्योंकि हमारे आई में आया है कि रेटिना स्ट्रेच हुआ है, ये एजिंग प्रॉब्लम है, हो रहा है, शुरू हुआ है। वही मैम, तो जितने भी ईएनटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हेल्प करता है, अगर आप नस्यम रेगुलर कर रहे हैं तो वहाँ पे वो एज अ प्रिवेंटिव मेजर हेल्प करता है। राइट जी। और इसमें बस दो चीजें और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि एक तो ऑर्गेनिक ही लीजिएगा, ऑर्डिनरी मत लीजिएगा, बिकॉज ऑर्गेनिक घी का बाकी घी के मुकाबले बहुत अच्छा होता है, तो वो एडल्ट्रेशन बहुत है ना आजकल घी में। ऑर्गेनिक लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। एक सवाल और आया है कि वाइटामिन B12, आयरन, और जिसको कमी हो, B12 की कमी हो, आयरन की कमी हो, क्या वो अपने खाने पीने में ऐड कर सकते हैं ताकि वो कमी पूरी हो जाए? नहीं, वाइटामिन बी के लिए आप कोशिश करिए कि जो भी आपका रॉ फूड रहता है जैसे सैलेड्स हो गए वो ज़्यादा खाइए, और लीफी ग्रीन्स जितने भी हैं उनका इनटेक आप ज़्यादा रखिए, और कई बार आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन आयरन का नहीं हो रहा होता प्रॉपर, तो आप कोशिश करिए कि आप वाइटामिन सी का इनटेक, क्योंकि वाइटामिन सी जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है आपको, उसका इनटेक भी करिए। और जो भी आप डाइट लें कोशिश करें कि किसी भी तरह का क्रैश डाइट आप ना करें, क्योंकि इस तरह की जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो हमारी बॉडी में तब होती हैं जब हम कम्प्लीटली कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एलिमिनेट कर देते हैं डाइट से। क्रैश डाइट का मतलब? क्रैश डाइट मतलब कई लोग ग्रेन्स खाना बंद कर देते हैं, जैसे कोई भी तरह का मतलब वीट और रागी या कोई भी तरह का ग्रेन सीरियल जो अनाज है, कई बार लोग अनाज खाना बंद कर देते हैं, तो उसमें भी आपकी बॉडी में कई विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कई बार लोग फैट खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं आपकी बॉडी में जैसे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, इनकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। तो कोशिश करें कि कोई जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे आपकी डाइट में रहें, और इस तरह का कोई डाइट आप फॉलो ना करें जहां पे आप कंप्लीटली कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को एलिमिनेट कर रहे हैं अपनी डाइट। जी, तो बस एक फाइनल अब मैं मिसेस कपूर एंड मिस्टर कपूर जी से बोलूंगी कि आपका उन सबके लिए क्या मैसेज है जो कि अभी हो सकता है रिटायर्ड हो सकता है कि वो अभी इतना मतलब एक्टिव लाइफ में नहीं हो, और मोस्टली जैसे जो भी क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर आजकल कॉमन है, डायबिटीज कॉमन है, या एस्थमा भी बहुत कॉमन है, और इन सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी उनको हैं, मगर वो उनको लग रहा है कि अच्छा अब तो एज हो गई तो ये सब तो होना ही है, तो मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया है कि बीमारी तो होनी है, तो उन सबके लिए क्या आपकी सुझाव या मैसेज है? देखिए, बीपी का तो मैं भी पेशेंट हूँ, बीपी की दवा मैं ले रहा हूँ, और डॉक्टर के एडवाइस को न मानते हुए कई बार इसको मैंने ब्रेक किया। अच्छा। क्योंकि 3 साल तक लिया और फिर मॉनिटर किया 1 हफ्ते तक, और बीपी हमारा नॉर्मल था, अच्छा था, तो फिर उसको दवा को हमने 7 दिन के लिए रोक दिया, फिर लिया बीपी, फिर लिया बीपी, अंत में ये हुआ कि एकदम से बीपी बढ़ गया सडन। फिर हमने एक बार कोशिश किया कि लेट अस हाफ द मेडिसिन, नॉर्मल बीपी चल रहा है, तो फिर उसमें भी हमारा बीपी फ्लक्चुएट किया, तो इसके पीछे हमको भी बड़ा डांट पड़ा, क्योंकि बेटी हमारी डॉक्टर है, जब उसको ये मैसेज दिए तो उसने बहुत डांट सुनाई। फिर उसके बाद उसने हमको गाइडलाइंस बैठ के बताए क्यों लेते हैं दवा, बॉडी के अंदर क्या करता है, और बीपी ठीक रहने पर भी लेना चाहिए। आयुर्वेदिक का नहीं लिया था हमने कोई, जो जनरल एलोपैथिक की मेडिसिन है वो लेता रहा हूँ, अभी भी लेता हूँ मैं, तो तब से मैंने बंद कर दिया कि नहीं दवा लेना ही चाहिए, और वो सिर्फ बीपी ही नहीं ठीक करता बल्कि और ऑर्गन्स को हेल्प करता है बॉडी को मेंटेन करने में। अभी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम के साथ था कि मैं हमेशा एसिडिटी का दवा लेता था, पेंटो एसिड लेता था, ओमीप्रिजोल लेता था, जैसे जैसे चेंज करते थे, और कौन सा एक लेते हैं, फेमोटिडीन लेते थे। फिर उसके बाद ये आयुर्वेद, जब से आप यहाँ ज्वाइन करने के बाद हमको जब फील होता था तभी लेते थे, फील ही नहीं हुआ तो लूं क्यों,
ये रेगुलर टाइप की बीमारी है और ये हम देखते हैं कि हम लोगों के एज से, नाउ आई एम 68, तो 65, 62, 60 के बाद 70-80% लोग का साथ में ग्रुप में सुनता हूं मैं कि हाँ इस टाइप की प्रॉब्लम है। हम भी उनको एडवाइस करते थे कि भाई दवा ले लो, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो ये आयुर्वेदिक की तरफ से आप लोगों का हर्ब्स वगैरह लेने से या फूड को रेगुलेट करने से, टाइमिंग फिक्स करने से, इसमें एडवांटेज मिला। तो मेरा मैसेज रहेगा कि लोग हेल्थ को ठीक रखने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जरूर लें। टफ है, मन नहीं मानता है, क्योंकि इस एज पर आकर के कहते हैं ये अनवांटेड एक्सपेंसेस है। टू बी वेरी फेयर व्हाट इट कम्स इन द माइंड, लेकिन ये समझना चाहिए कि नहीं, जैसे बच्चे का फीस हम देते थे हर महीने, उस तरह से अब बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए तो अपने हेल्थ के लिए फीस देते चलो। और उस फीस में एग्जेम्पशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो लो, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है जरूरी होता था, उस तरह हेल्थ को भी ठीक रखना जरूरी है, ये सोच बननी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आशा जी, आपका क्या विचार है? आपके लिए तो मैं खास लेडीज के बारे में पूछूंगी, बिकॉज जो मेरी लेडीज से सब शिकायत है कि वो सबके लिए सब कुछ करती हैं बट अपने बिल्कुल अपने को निग्लेक्ट करती हैं। सब लेडीज, आपने सब नहीं लेनी चाहिए, ये बाद में कहेंगी, और ये आप एकदम सच कह रही हैं जी। ये इनकी जो वेट का, शरीर का प्रॉब्लम बना, सिर्फ इन्हीं रीजन से बना कि हमारे खाने के पीछे और बच्चों के खाने के पीछे, बच्चों के ट्यूशन लगना चाहिए, बच्चे टाइम पे पढ़ने जाने चाहिए, बच्चे अच्छा ड्रेस पहन के जाने चाहिए, इनका क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, उनकी लाइफ ठीक होनी चाहिए, अपने आप को किनारे कर दिया। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सब लेडीज, ये मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जी जी, इस 50 इयर्स के जोन का जी, ऐसा मैं पाया हूँ इनको कि नहीं, जब इन्हीं को पाया हूँ हमने कहा सी इज वेल क्वालिफाइड, सी इज एम ए बी एड, लेकिन फिर भी नेग्लिजेंस ऐसा की तो लगता है कि नहीं बाकी लोग भी करते ही होंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर कपूर। तो आशा जी, अब आपका बाकी लेडीज के लिए है, बिकॉज़ जो बाकी लेडीज हैं वो अभी कर रही हैं, वो अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रही हैं, वो अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि जितने भी बच्चों की माँ होती है वो बहुत बहुत उनकी क्या बोलते हैं उनका वो दिल माँ में ही होता है। तो अब सारी माओं को क्या मैसेज आप देंगी? नहीं, अपने ध्यान, अपना तो ध्यान रखना चाहिए, अब प्रॉपर गाइडलाइंस लेना चाहिए और उससे बेनिफिट तो मिलता ही है। हम सोचते हैं कि बेकार नहीं तैयार हो रही थी, लेकिन अब जब ले लिया मैंने गाइडलाइंस तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने बेटी को भी थैंक किया मैंने, अरे मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि जो मैं कहूँ चुपचाप सुन लिया करो। सुन लिया, मान लिया करो जी, बाद में थैंक करती हो जी। हाँ, तो अच्छा लगा मुझे, और मैं जो भी मिलेंगे ऐसे नीडी लोग उनको बताऊंगी कि नहीं लेना चाहिए। और जी, मेरा तो बड़ा अच्छा अभी तक का सफर रहा जी जी। सो आशा जी, मैं आपको सिर्फ ये एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि अब मेरी बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है जी, उसकी बातें बहुत कम मानती थी जी, और बड़ी बेटी के साथ जरा झगड़े भी ज्यादा होते हैं आपस में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो बड़ा खुश होती है दोनों बहनों को करती है कि तुम दोनों ने मिलके जो ज्वाइन करवा के रखा है बहुत अच्छा काम किया है, कि मम्मी के हेल्थ ठीक रखती है। नहीं बिल्कुल, और मैं इनफैक्ट ये ऐड करना चाहती हूँ कि जो आपने कहा सारी लेडीज को, सारी मदर्स को, उसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहती हूँ कि सारी मदर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप अपनी सेहत अगर ध्यान अच्छा रखेंगी तो हम सब बेटियों को आप हमारी एंजाइटी दूर कर देंगी, हमारी जो स्ट्रेस होता है हमको अपनी मदर्स की सेहत के बारे में सोच के वो खत्म हो जाएगा हमारा स्ट्रेस। बिल्कुल सही बात, अपने लिए तो करिए, अपनी बेटियों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी करिए, बिकॉज वरना वो परेशान हो जाएंगे कि हमारी मम्मी कैसी है, हमारे पापा कैसे हैं।
सो थैंक यू सो मच. और जैसे कि मिस्टर कपूर आपने बोला, सो वी वुड लाइक, आई वुड लाइक टू अनाउंस कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीजंस हैं हमारे प्रोग्राम में, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स रहेंगे. और ये आपका बहुत ही अच्छा सुझाव रहा, और कल से हम इस स्कीम को लॉन्च करेंगे. वेरी नाइस, थैंक यू लॉट. And thank you so much for joining in, for inspiring and motivating others. And thank you for allowing us to serve you. और आपकी सेवा करने का मौका हमें मिला, हमें बहुत खुशी हुई. मुझे भी बहुत बहुत आप इसके लिए आप deserve करती हैं, क्योंकि thanks हम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि आपने guidelines दिया. इससे हमको जो भी benefit मिला, 100% नहीं मिला, कोई बात नहीं, 60 मिला, 70 मिला, 80 मिला, मिला कुछ समझ गया में तो, नहीं कुछ समझ में तो आया कि इससे फायदा होता है, करना चाहिए. जी, ये बहुत बड़ी चीज है. और आप इस लाइन में आ करके, इसको इनिशिएटिव करके, इतना बड़ा स्टेप लेकर के, नहीं जनरली डॉक्टर बनने के बाद लोग सोचते हैं हम तो डॉक्टर बन गए हैं और कंफर्टेबल लाइफ में रहना चाहिए. हमेशा दूसरे के, अपनी पेशेंट तक सोच करके सीमित हो जाते हैं. लेकिन आपकी इतनी अच्छी सोच है, इसके लिए थैंक्स टू योर पेरेंट्स. और आज आपसे बात करके और भी अच्छा लगा. नहीं, थैंक यू. देखिए, मुझे हर पेरेंट में अपने पेरेंट्स ही नजर आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों की वजह से हम हैं. तो आपकी सेवा का मौका मिले, हमें बहुत ही अच्छा लगा. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. विश यू अ वेरी गुड इवनिंग. वेरी नाइस. सेम टू यू. थैंक्स अ लॉट.